नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आज आप सब। घर देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज क्या वीडियो आपको देखने को मिलने वाली है। हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, हमारे विलास को पसंद करते हैं, हमारी इन्वेंट्रीज़ को पसंद करते हैं। सो हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स कह रहे थे, यार शॉर्ट वीडियो दिखा रहे हो, फुल वीडियो भी प्लीज़ इसकी दिखा दो हमें। सो आ चुके हैं आप सभी के लिए एक ब्रांड न्यू घर लेकर फुल वीडियो के साथ। सो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेरे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन नहीं दिया है मैंने अपना। सो मेरा नाम मनीषा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी दत्त पर। जिन्होंने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जितनी वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो चलिए ना टाइम को वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं सीधा वीडियो की ओर। सो आज हम आपको लेकर आए हैं सनी इनक्लेव के अंदर बहुत ही प्यारा सा ये घर दिखाने के लिए, जिसका साइज है 193 स्क्वायर यार्ड एंड इसका जो डायमेंशन है वो 31x56 का डायमेंशन रहेगा। सो लोकेशन है सेक्टर 125 सनी इनक्लेव मोहाली, नियर टू चंडीगढ़। हमेशा की तरह आपके लिए इस लोकेशन में बहुत ही खास खास एंड बहुत ही अमेजिंग इन्वेंट्रीज लेकर आते रहते हैं। हमें सारी बातें हो चुकी हैं और सर्दियां आने को हैं। आज यहाँ पे चंडीगढ़ में बारिश हुई है और क्या बारिश हुई है, क्या बारिश, मतलब ठंड पड़ गई है, उस बारिश ने ठंड कर दी है बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, बाकी सारी बातें होती रहेंगी, सबसे पहले करते हैं बात एलिवेशन की। सो एलिवेशन आप देखिए यार, क्या कमाल का एलिवेशन है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ना इस घर से बहुत ही प्यार हो चुका है। इतना सुंदर दिख रहा है ना ये घर, इतना ज़्यादा। इसका जो एक्सटीरियर ही डिज़ाइन है वो कितना खूबसूरत है। आई कांट इमेजिन कि मैं अंदर जाऊंगी एंड इंटीरियर डिज़ाइन देखूंगी तो आई विल बी लाइक कि ये क्या देख रही हूँ मैं। बहुत ही प्यारा घर है, बहुत सुंदर। तो सर सबसे खास बात इसकी ये है कि नाइट में ना इस घर को ना देखे हुए कोई जा ही नहीं सकता। कोई भी यहाँ से गुजरेगा ना, एक नज़र इस घर के और जाएगी ही जाएगी फॉर श्योर, खासकर रात में। रात में तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो चलिए एलिवेशन हम देख चुके हैं, लेके चलते हैं घर के अंदर एंड करते हैं बात पार्किंग एरिया की। तो चलिए आ जाइए दोस्तों घर के अंदर, मैं मिलती हूँ आपको, आइए। तो घर के बाहर की पार्किंग की बात की जाए तो आप घर के बाहर भी अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। और घर के बाहर भी ना जो ग्रीनरी एड ऑन की है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इधर आप देखिए, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी एड ऑन कर दी है तो काफ़ी सुंदर लुक आ रहा है। इसकी वजह से घर अपने आप में बहुत सुंदर है। मतलब मैं बोलूँगी जो यहाँ पर रहेंगे ना, कमाल, मतलब उनको तो बहुत ही मज़े आएंगे इस घर में रह के। तो घर के अंदर की पार्किंग स्पेस की बात की जाए, जी हाँ, स्लाइडिंग गेट आपको मिल रहा है यहाँ पर आपका। सो ये हम आ चुके हैं घर के अंदर। घर के अंदर की जो पार्किंग एरिया है यहाँ पर, मेरे हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मैं कहूँ अगर तो दो गाड़ियाँ, जी दो गाड़ियों की पार्किंग आपको मिलती है इधर। आप दो बड़ी गाड़ियां आराम से यहां पे पार्क कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको अगर इफ़ यू हैव टू व्हीलर्स तो टू व्हीलर्स की पार्किंग का भी आपको स्पेस मिलता है। टू व्हीलर भी आप आराम से यहां पे पार्क कर सकते हो एंड इधर आपके टैप्स आ जाते हैं। सो दैट आपको आपके इस स्पेस की वॉशिंग करनी है या कार्स की वॉशिंग करनी है तो वो आप इज़िली कर सकते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको अभी से, मुझे थोड़ा थोड़ा कमेंट्स में ज़रूर बताते रहिए कि बाहर वाला एरिया आपको कैसा लग रहा है। एंड ऑफकोर्स द एलिवेशन, मतलब क्या काम किया है यार, बहुत ही, मतलब बहुत ही बढ़िया काम किया है इस घर का। एंड उसके बाद जैसी हम मेन एंट्रेंस की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले इधर आ जाता है ये वाला स्पेस। आप बना सकते हैं अपना शू रैक, आप इसको कह सकते हैं, अपने शूज़ वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। एंड आप देखिए खूबसूरती कैसे मैनेज की हुई है। कभी भी ना घर के अंदर ग्रीनरी को ऐड करेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा अपने आप में।
एंड इधर जो ये काम है ये प्रॉपर स्टोन का काम किया हुआ है, ब्लैक कलर के यहाँ पे आपका स्टोन वर्क मिल रहा है आपको, जो आपकी वॉल है काफ़ी अच्छी लग रही है, लुक बहुत सुंदर आ रहा है इसकी वजह से। एंड उसके बाद क्या होगा कि दिवाली के टाइम पे ना आपको यू नो पेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस गीले कपड़े से वॉश करना है एंड काफ़ी साफ हो जाएगा ये। सो ऑल ओवर काफ़ी सुंदर लग रहा है। एंड ये आपका MC, यहाँ पे आपका MC आता है, तो MC वाला स्पेस भी आ देखिए कितना काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब लुक दिया हुआ है इसको भी ना, वरना यूजली आप ऐसे ओपन करते हैं प्रॉपर स्लाइडिंग के साथ है, मतलब अच्छा लग रहा है, लुक आ रहा है इसकी वजह से, आपका एक एरिया ऐसा ख़राब सा नहीं लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। एंड यहाँ पे बाहर आपको LED लाइट्स आपकी मिल जाती हैं, फॉल सीलिंग का वर्क आपको मिल रहा है, अपना कैमराज यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं, कैमराज आपके यहाँ पे आगे। इधर आपकी वेलकम वॉल है जो कि अगेन डिज़ाइनर वॉल है, टेक्स्चर वर्क यहाँ पे किया हुआ है, टेक्स्चर वर्क हमें नज़र आ रहा है देखने को, काफ़ी सुंदर आ रहा है इसका लुक। हमारी वेलकम वॉल नॉर्मल नहीं है, डिज़ाइन ऐड किया हुआ है। चलिए घर के अंदर लेके चलते हैं। उससे पहले सॉरी, बातों बातों में एलिवेशन के बताने के चक्कर में ना मैं भूली गई कि घर के बाहर जो आपको रोड मिलती है वो प्रॉपर वाइड रोड है, 60 फीट की रोड है और बी रोड पे है। अब चलिए घर के अंदर, अब बारी आ गई है घर के अंदर जाने की। आई एम श्योर आप सभी भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे जस्ट लाइक मी। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आ गया मैश डोर डिज़ाइनर है, बीच में ग्लास वर्क ऐड किया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आफ्टर दैट इधर आपका आ जाता है, ये है आपका वुडन का डोर। सो ये वुडन का डोर आपका प्रॉपर वुडन का डोर आ गया विद डिजिटल लॉक, ये डिजिटल लॉक आपका यहाँ पर आ गया जो कि आपका पास कोड या फिंगरप्रिंट से ही ओपन होने वाला है। सो एंटर करते ही सबसे पहले आता है आपका ड्राइंग एरिया, सो ये आपका सेपरेट ड्राइंग स्पेस रहेगा। क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छा काम किया है, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है, प्रॉपर लग्जरियस वाइब है, पूरा लग्जरी काम यहाँ पे किया है। नीचे वुडन का काम हमें मिल रहा है, जो हमारी नीचे फ्लोरिंग है वुडन की फ्लोरिंग हमारी आ जाती है। सो यहाँ पे भी हमें काफ़ी सारा जो कि वुडन का काम नज़र आ ही रहा है, बीच में मिरर वर्क भी डाला हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लुक है। इधर आपकी पार्टीशनिंग आ जाती है, वुडन की पार्टीशनिंग आपको यहाँ पे दी जा रही है। आफ्टर दैट फॉल सीलिंग, एक बार देखिए फॉल सीलिंग नज़र मारिए, काफ़ी अच्छी है। इसी के जस्ट सामने ना वुडन की पार्टीशनिंग के सामने आपका आ जाता है बड़ी सी विंडो एंड साथ ही में आपका मैश विंडो, सो दैट वेंटिलेशन भी बना रहे, एक बाहर का व्यू भी बना रहे एंड साथ ही साथ में एक जो नेचुरल सनलाइट है वो आपको आपके घर के अंदर मिलती रहे। तो लुक बहुत अच्छा है घर का, कर्टन्स एंड ऑल कितने सुंदर, कितने खूबसूरत कर्टन्स आपके यहाँ पे आ गए, मतलब बहुत अच्छा काम किया है। घर बनाओ तो ऐसा ही बनाओ कि मतलब बस लुटा दो एकदम, सब कुछ अच्छे से बनाओ जैसे आप खुद के रहने के लिए बना रहे हो। एंड यहाँ पे ये आ गया आपका फैमिली लाउंज एरिया या तो फिर आपका डाइनिंग स्पेस, आप इसको डाइनिंग एरिया ही बना लीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पे आपका 8-12 सीटर डाइनिंग टेबल आराम से इंस्टॉल हो सकता है, नॉर्मली तो 8 ही होता है, अगर आपको 8 रखना है या 12 रखना है दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन यू, सो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप रख लीजिए 8 सीटर 12 सीटर डाइनिंग टेबल। इधर ही आपका TV पैनल भी एड ऑन किया हुआ है, स्टेयर्स के नीचे वाला स्पेस खाली नहीं छोड़ा है, यूटिलाइज़ किया हुआ है स्पेस को, काफ़ी बढ़िया बात है, काफ़ी अच्छी बात है। आपको ना इस घर में अपने से कोई काम कराने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मैं खुद बोल रही हूँ इस बात की गारंटी तो मैं आपको दूंगी, आपको कोई और काम कराने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। फॉल सीलिंग आपने देख ली, प्रोफाइल लाइट्स के साथ हैं, LED लाइट्स के साथ है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। उसके बाद आती है बारी किचन की, सो ये है आपका किचन, फुल्ली मॉड्यूलर किचन। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये सब पड़ा हुआ है, वो एक्चुअली इसलिए कि थोड़ा बहुत काम ना चल ही रहा था, मतलब बस किचन का काम, जो कि थोड़ी बहुत चीज़ें लगानी थी एक्स्ट्रा, जो हम चाहते थे कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं व्यूअर्स हैं उनको और भी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिले। सो उससे पहले देखिए यहाँ पर आपकी जो पार्टीशनिंग है वुडन की पार्टीशनिंग इधर ऐड की हुई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सबसे पहले इधर से शुरुआत करते हैं जो कि आपका वॉश बेसिन स्पेस आ गया। सो ये वॉश बेसिन एरिया आपका बहुत सुंदर लग रहा है, उधर आपका डाइनिंग टेबल रहेगा तो इधर वॉश बेसिन एरिया ऐड ऑन किया हुआ है, ताकि आपको आपके घर में जब गेस्ट आते हैं और आप नहीं चाहते कि आपके पर्सनल बेडरूम के वॉशरूम में जाके वो हैंड्स वॉश करें या व्हाटएवर आप नहीं चाहते हो बस, सो वो यहाँ से आए एंड यहीं पे अपने हैंड्स वॉश कर सकते हैं इजीली।
उसके बाद किचन में एंटर करते हैं। सबसे पहले इधर आपका ये वाला स्पेस आ गया। अभी यहाँ पे ना पेंट्री एरिया जो हमने देखा था, ये जो आप देख रहे हो ये बनना है, लगना है। उसके बाद इधर आपका अवन, माइक्रोवेव, नीचे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के लिए स्पेस आ गया। इधर आपका पेंट्री स्पेस आ गया। एंड उसके बाद ये आपका चिमनी एंड हॉब स्पेस आ गया। आप जैसा ये घर देख रहे हैं दोस्तों, सब कुछ आपको इंक्लूडेड मिलेगा जैसा आप देख रहे हैं, एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। एंड उसके बाद इधर आपके डबल सिंक आ गए, और डबल सिंक भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े स्पेशियस डबल सिंक है। एंड जितनी भी सैनिटरी फिटिंग्स है, सारी की सारी प्रीमियम क्वालिटी जैक्वार की फिटिंग्स यहाँ पे की हुई हैं। इधर आपका बड़ा सा एक जो है विंडो आ गया, साथ ही में इधर आपका मैश विंडो आ गया, एंड इधर कैमरा भी इंस्टॉल किया हुआ है। सो विंडो तो आपने देख ली है। इधर आपके कैबिनेट्स, काफ़ी सारे कैबिनेट्स आपको मिल जाते हैं इधर, लोअर कैबिनेट्स भी, और ये आपके लोअर कैबिनेट्स भी काफ़ी सारे और काफ़ी सारी स्पेस के साथ आपको मिल रहा है विद द सॉफ्ट क्लोजर। अगेन ऊपर आपकी फॉल सीलिंग भी आ गई, इधर भी आपको फॉल सीलिंग मिल रही है। सेंटर में आपको वुडन का वर्क भी देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर घर के अंदर आप जितना वुडन का काम डालोगे ना, वो उतना ही लग्जरी लगेगा, जैसा मैं सोचती हूँ। मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है और बहुत ही सुंदर लगता है। अब बारी आती है हमारे बेडरूम्स को चेकआउट करने की। सो ग्राउंड फ्लोर पर हमें दो बेडरूम्स मिल रहे हैं। सबसे पहले ये वाला बेडरूम चेक करते हैं। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है विद एन अटैच्ड वॉशरूम। ऊपर फॉल सीलिंग आ गई, प्रोफाइल लाइट्स हमें मिल रही हैं, वॉलपेपर ऐड ऑन किया हुआ है। इधर काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये जो वॉल है काफ़ी सुंदर लग रही है। आप यहाँ पे अपने अचीवमेंट्स ना रखें और यहाँ पे रखें प्लांट्स, बहुत सुंदर लगेगा। मैं बता रही हूँ आपको, छोटे छोटे से पॉट्स होते हैं वो बहुत सुंदर लगेंगे, बहुत ही क्यूट सी लुक आएगी। ओके, वार्डरोब्स जो कि है प्रॉपर स्लाइडिंग डोर के साथ एंड फुल हाइट तक के हैं। एंड साथ ही में आपका ड्रेसिंग स्पेस आ गया है, मिरर यहाँ पे दिया हुआ है, ड्रेसिंग एरिया आपका रहेगा। एंड इसी के जस्ट सामने आपका टीवी पैनल आ गया, एंड ये मेरा फ़ोन है जो चार्जिंग पे लगा हुआ है। सो ये आपका टीवी पैनल है, एंड यहीं से ही आपको एक्सेस मिलता है आपके बैक स्पेस का। तो ये आपका बैक स्पेस आ गया, इतना स्पेस दिया हुआ है बैक एरिया को। एंड यहाँ पे आपका आपके टैप्स इंस्टॉल किए हुए हैं, आपकी वॉशिंग, अगर आपको आपके क्लोथ्स की वॉशिंग करनी है आप इजीली यहाँ पे वॉशिंग कर सकते हैं आपके क्लोथ्स की। सो अब देखते हैं अटैच्ड वॉशरूम। वॉशरूम तो हमने देखा ही नहीं। ओह नाइस, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, इसे खेलना नहीं है। सो ये है आपका अटैच्ड वॉशरूम, फुल हाइट तक की टाइल्स यहाँ पे दी हुई हैं। एंड उसके बाद इधर आपकी जैक्वार की फिटिंग्स आ गई। वो एंड ये अच्छा लग रहा है, मतलब डिसेंट लग रहा है। वॉशरूम में ज़्यादा वो जो फैंसी वाले होते हैं ना टाइल्स, कुछ टाइल्स में अजीब अजीब सा बना, वो नहीं अच्छा लगता। नॉर्मल बिल्कुल प्लेन टाइल्स आप यूज़ करिए अपने घर के लिए या फिर आपके वॉशरूम्स के लिए, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। अब बढ़ते हैं सेकेंड बेडरूम की ओर। अच्छा, उस बेडरूम का जो साइज़ था ना वो भी काफ़ी अच्छा था, मतलब डिसेंट साइज़ था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। आप अपना किंग साइज बेड भी ऐड ऑन करेंगे तो भी हमें काफ़ी अच्छी स्पेस मिलेगी मूव करने के लिए। अब ये आ गया आपका सेकेंड बेडरूम। यहाँ पे भी आपको ऊपर फॉल सीलिंग, LED लाइट्स और प्रोफाइल लाइट्स मिल जाती हैं। ये वॉल भी काफ़ी अच्छी लग रही है, डिज़ाइन दिया हुआ है इस वॉल को भी। इसी के जस्ट सामने आपका टीवी पैनल आ गया, सो ये टीवी पैनल स्पेस रहेगा। एंड यहाँ पे आपके आ गए वार्डरोब्स जो कि अगेन स्लाइडिंग डोर के साथ हैं। एंड इसी के जस्ट साइड में आपका है ड्रेसिंग एरिया। एंड यहाँ पे आपकी विंडो दी हुई है, आपको विंडो भी दी हुई है, साथ ही में मैश विंडो भी दी हुई है ताकि जो वेंटिलेशन है क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे। एंड साथ ही में आपका एक बाहर का व्यू एंड नेचुरल डे लाइट आपको मिलती रहे रूम के अंदर। अब ये आ गया इस सेकेंड बेडरूम का अटैच्ड वॉशरूम। एंड यहाँ पे भी आपको जो टाइल्स हैं वो काफ़ी डिसेंट टाइल देखने को मिल रही हैं, फुल हाइट तक की टाइल हैं। एग्जॉस्ट आपका आ गया, फैन जो यहाँ पे ऐड ऑन किया हुआ है जो कि बहुत ज़रूरी है, वेंटिलेशन होनी चाहिए वॉशरूम के अंदर भी। सो ग्राउंड फ्लोर हम पूरा देख चुके हैं, काफ़ी अच्छा लगा अब तक, बहुत सुंदर लगा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। सो दोस्तों अब लेके चलते हैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे। सो आई एम
वेरी एक्साइटेड इस चीज के लिए कि आपको ये दिखाना है मैंने। यहाँ पे आप देखिए क्या काम किया है यार इस वॉल के साथ, मतलब जो लुक दिया है ना इस वॉल को, जो लुक बहुत ही कमाल है, बहुत सुंदर लग रहा है अभी। मतलब फोन्स में ना, आप भी ये बात मानते हैं कि फोन्स में क्या होता है कि आप बस मेमोरी के लिए रख सकते हैं, फोन में बस देख के वो अच्छा वाओ बहुत बढ़िया है अच्छा लगा देख के, बट जो चीज़ एक्चुअल में देखी होती है ना, आंखों देखी चीज़ ना बहुत ही अलग होती है, बहुत सीरियसली बहुत अलग होती है। आइए मैं मिलती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे एंड करते हैं इस वॉल की बात। तो ये आर्टिफिशियल ग्रास का काम यहाँ पे किया हुआ है, वुडन का काम काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप मेरे हिसाब से ना, अगर आपकी एक फैमिली पिक्चर है, बहुत ही बड़ी सी फैमिली पिक्चर, आप यहाँ पे लगा दीजिए, बहुत सुंदर लगेगा। या आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, मतलब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। आपको ऐसे रहने देना, आप ऐसे भी रहने दे सकते हो, ऐसे भी बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। अगर आप यहाँ पे आपकी बड़ी सी फैमिली पिक्चर लगाना चाहें, वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब काफ़ी सुंदर लगेगा। सो आर्टिफिशियल ग्रास का जो यहाँ पे आर्टिफिशियल बहुत ही अच्छा लुक देखने को मिल रहा है हमें। अब जैसे हम ऊपर आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो यहाँ पे साथ ही में शैंडलियर की बात करनी मैं भूल गई, सॉरी। शैंडल का लुक भी काफ़ी फैंसी है, काफ़ी ज़्यादा फैंसी लुक आ रहा है शैंडलियर का भी यहाँ पर। अब यहाँ पर आपका आता है इधर, ये है आपका सिटिंग स्पेस। आप यहाँ पे सिटिंग एरिया अपना बना सकते हैं, आपका फैमिली लाउंज एरिया यहाँ पे बन सकता है। ऊपर आपकी फॉल सीलिंग एड ऑन की हुई है, इधर आपका टीवी पैनल आ गया जो कि प्रॉपर वुडन का टीवी पैनल है। ये आपका स्टोर रूम हो सकता है, या आप इसको स्टडी एरिया भी बना सकते हैं, आप स्टडी एरिया कंसिडर कर सकते हैं इसको, इतना स्पेस दिया हुआ है। या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो आप इसको सेपरेट अपना वर्क फ्रॉम होम के लिए यूज़ कर लीजिए। इधर आपका पूजा स्पेस आ गया, क्या बात है। एंड इधर एक छोटी किचन भी दी हुई है, ये देखिए एक छोटी सी किचन भी यहाँ पे दी हुई है आपके लिए। एंड यहीं से आपको लेकर चलते हैं फ्रंट बालकनी की ओर। सो यहाँ पे आपका आ गया फ्रंट बालकनी, बहुत ही बढ़िया लुक आ रही है फ्रंट बालकनी की। यहाँ पे एक दो चेयर्स आप लगा लीजिए, यहाँ पे एक दो चेयर्स लगा के मज़े से बिल्कुल बैठिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ चिल करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। या खुद के साथ भी बैठना चाहें, बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आसपास की जो लोकेलिटी भी है ना, शोर शराबे वाली लोकेलिटी नहीं है, बहुत ही शांत एंड पीसफुल एरिया है आसपास का भी। आइए बेडरूम्स देखते हैं। तो दोस्तों ये घर जैसे मैंने आपको साइज़ बताया 193 स्क्वायर यार्ड्स में बना हुआ है, बट ये ना मतलब फॉर मी ऐसा है कि ये स्पेस इतना ज़्यादा स्पेशियस है, सो ऐसा फील देता है कि 250-300 गज में बना ही बना है, मतलब 193 तो बिल्कुल नहीं लगता है दोस्तों, 250-300 गज लगता ही लगता है। आइए अब देखते हैं थर्ड बेडरूम, बातें तो हमारी होती ही रहेंगी। ये है आपका थर्ड बेडरूम, काफ़ी डिसेंट साइज़ है, मतलब मैं बोलूँगी डिसेंट भी नहीं, फॉर मी इट्स वेरी स्पेशियस, काफ़ी स्पेशियस साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है बेडरूम का। इधर आपकी वॉल आ गई, सेंटर में आपका बेड आ जाएगा, मतलब लुक बहुत ही सुंदर है, मतलब सोच के, बिल्कुल सोच के काम किया हुआ है घर में। इधर आपके वार्डरोब्स आ गए, फुल हाइट तक के वार्डरोब्स हैं। एंड इधर ही साइड में आपका ड्रेसिंग स्पेस आ गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है मिरर। एंड इधर आपका टीवी पैनल, ये आपका टीवी पैनल आ गया। अब इसके बाद दिखाते हैं आप सभी को अटैच्ड वॉशरूम। सो ये आ गया आपका अटैच्ड वॉशरूम, यहाँ पे भी आपकी टाइल जो है फुल हाइट तक की टाइल है, मिरर भी यहाँ पे एड ऑन कर दिया है। एंड इसी बेडरूम में आपका विंडो आ गया, मैश विंडो आ गया, सो दैट एक तो बाहर का व्यू भी बना रहे, नेचुरल सनलाइट आता रहे, एंड साथ ही में जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है वेंटिलेशन। उसके बाद दिखाती हूँ मैं आप सभी को इस घर का लास्ट बेडरूम, जो कि है आपका फोर्थ बेडरूम। इस घर में आपको चार बेडरूम्स मिल रहे हैं, दो ग्राउंड पे एंड दो फर्स्ट पे, सो ये आपका फोर्थ एंड लास्ट बेडरूम रहेगा। इधर आपके वार्डरोब्स आ गए जो कि अगेन स्लाइडिंग डोर के साथ रहेंगे। ऊपर आपकी फॉल सीलिंग आ गई, सो इधर आ गया आपका ड्रेसिंग स्पेस, एंड इधर आ गया आपका टीवी पैनल। एंड यहीं से आपको एक विंडो इस बेडरूम में मिल जाती है, जो कि आपको एक तो बाहर का लुक भी मिलता रहेगा, वेंटिलेशन आपकी बनी रहेगी, नेचुरल डेलाइट भी आपको मिलता रहेगा।
यहाँ पे ये है आपका अटैच्ड वॉशरूम। सो ये आपका अटैच्ड वॉशरूम आ गया। अटैच्ड वॉशरूम का जो साइज है वो भी काफी डिसेंट है। अब मैं यहीं से आपको एक और स्पेस में लेके जाऊंगी, आ जाइए, जो कि है आपकी बैक स्पेस, आपका बैक बालकनी स्पेस। ये देखिए इतना स्पेशियस है। ठंड हो गई है यार, शाम शाम में अपना ठंड होने लगी है इधर। सो इतना स्पेस आपको मिल रहा है आपके बैक का। यहाँ से आपको मिलता है एक्सेस आपके टेरेस का। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये वीडियो आपको, और आज का ये प्यारा सा घर आप सभी को कैसा लगा, डिज़ाइनिंग कैसी लगी, इंटीरियर वर्क कैसा लगा, एक्सटीरियर डिज़ाइन कैसा लगा, मुझे सब कुछ जानना है। आपके थॉट्स इस घर को लेके कैसे हैं मुझे सब कुछ जानना है, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर कुछ भी जानना चाहते हैं, साइज़, लोकेशन या कुछ भी, कोई भी डिटेल आप हम लोगों से जानना चाहते हैं, आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारी वीडियो को, इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा ताकि हम अगली वीडियोज़ में भी मिलते रहे। नमस्कार, शुक्रिया।